जो कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमें 6 राइट्स देता है, तो उसमें से आपके हम कहते हैं 6 राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो आएगा आएगा क्वेश्चन, ऐसे कभी मैंने देखा नहीं इसमें क्वेश्चन आया ना हो, तो आप अच्छी तरह करें। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते ही आता है। पहला राइट टू सेफ्टी, बच्चों ये राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर को क्या देता है कि हर कंज्यूमर को राइट है किस चीज का, कि भैया जो उसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बेचे, जो उसे सेलर बेच रहा है, वो उसके लाइफ के लिए कोई खतरनाक ना हो, डेंजरस ना हो, उसके लिए सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल तुमने फ्रिज खोला और फ्रिज खोला और ये क्या हुआ, ब्लास्ट बूम, और तुम्हारी शक्ल कैसी होगी, ब्लैक। तुमने देखा होगा तुम्हारे मुझे वो घंटी उड़ जाता है और एकदम ग्लास होता है, बाल यूं उड़ जाते हैं, पूरा काला हो जाता है। सोचो क्या होगा, और तुम्हारा हाल जो होगा वो तो अलग है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो भैया ये कंज्यूमर राइट है कि जो भी प्रोडक्ट बेचा जाए वो उसके लिए लाइफ के लिए सेफ हो, उसकी प्रॉपर्टी के लिए सेफ हो, उसके लिए एक सेफ और सिक्योर लाइफ दे सके, उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। यानी कि जो भी आपके कहते हैं प्रोडक्ट है वो आपके मस्ट बी सेफ होने चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी हमें ये देता है कि आपका जो भी हमारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो उसको कंज्यूमर का राइट है, वो हजार्डस टू लाइफ ना हो, हेल्थ के लिए हजार्डस ना हो, प्रॉपर्टी को कोई डेंजर ना कर सके। तो उसको एक जो भी राइट टू राइट है कंज्यूमर का, उसको सिक्योर सेफ एंड सिक्योर लाइफ मिले। फॉर एग्जाम्पल से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उनकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो, जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉक कर सकता है, बंदे की लाइफ को खतरा है, इसलिए वो कम से कम एक क्वालिटी की सारे क्वालिटी मार्क्स को वो पूरा करना चाहिए, तभी होगा। और तो कंज्यूमर हैज द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट एनी लॉस कॉज बाय सच प्रोडक्ट। कंज्यूमर का राइट है कि अगर उसे कोई लॉस होता है, उसके राइट दिया गया, अगर इन प्रोडक्ट से कोई लॉस होता है तो उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करेगा सेलर। तो याद रखिए बच्चों, राइट टू सेफ्टी यही है कि कंज्यूमर हैज राइट अगेंस्ट, क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्ट जो उसकी हजार्डस टू लाइफ बेचा गया, जो हेल्थ बेचा गया और प्रोस्पेक्टिव उसकी प्रॉपर्टी के जो हजार कर सकते हैं और उससे उसको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई सेलर करेगा। तो ये इसका राइट है कि उसे जो भी प्रोडक्ट बेचा जाए उसे एक सेफ और सिक्योर लाइफ दी जाए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खासतौर पर जो यहाँ पे कंज्यूमर को एजुकेट भी किया जाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे, जरूर चेक कर लें ISI मार्क्स। तो यानी यहाँ पर जरूरत है कंज्यूमर को एजुकेट करने की कि जब भी आप क्या खरीदे, याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स को बताइएगा और आप खुद भी चेक कीजिएगा। जब भी कोई आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद रहे, गीजर खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, उसमें जरूर देख लीजिए, कोई भी कंपनी खरीद रहे हैं तो आप क्या देखोगे उसके पीछे, ISI मार्क है या नहीं है। ये अक्सर कई लोग हम देखते नहीं है, लेकिन हमें एजुकेशन की जरूरत है कि ISI मार्क वाला ही ब्रांड खरीदे, अदरवाइज नहीं खरीदे। आगे चलते हैं जो राइट टू बी इन्फॉर्म, ये कंज्यूमर को एक राइट दिया गया है कि आपको जो भी प्रोडक्ट वो बाय करने जा रहा है तो उसको उसका राइट है, क्या राइट है कि भैया उसको बताया जाए कि उसके डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है प्रोडक्ट की, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके अंदर डायरेक्शन फॉर यूज क्या है। फास्ट उसे आपको देखा होगा, हमें क्योंकि वो कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो देखो रेड कलर, रेड का डॉट होता है, रेड इज नॉन वेज, तो ये आपको इंडिकेशन देता है भैया नॉन वेज खरीदना मत, ताकि अगर आप वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज ना खरीद लो, और जो वेजिटेरियन उसको ग्रीन होता है, तो ये भी एक राइट है उसको पता होना कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली कैफीन होती है तो बताना होता है, क्योंकि कैफीन से काफी हमारे कहते हैं बीपी लोगों का हाई हो जाता है, कैंसर होने का खतरा होता है, तो ये भी बताना जरूरी होता है कैफीन है या नहीं है। इसके अलावा डायरेक्शनल यूज, कैसे उसे यूज करना है। तो एक कंज्यूमर का राइट है कि वो जब भी वो जो बाय करने जा रहा हो कि उसके डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद अगर यूज किया तो उसके हार्मफुल हो सकता है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है इंडिया में, तो कि भैया आपको बताना जरूरी है उसका MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है। पर ये इंडिया में लीगल ऑब्लिगेशन है, उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग पे, जो भी लेबल और पैकेज उस पर लगा हुआ उसके ऊपर लिखना जरूरी होता है, इंग्रेडिएंट्स, कब तक डेट ऑफ एक्सपायरी, मैक्सिमम MRP, ठीक है। अगर ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर को, जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक्सपायर्ड लाइफ में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, मिसलीडिंग लेबलिंग होते हैं, उससे ये राइट टू इन्फॉर्म को प्रोटेक्ट करेगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग से, एक्सपायर्ड लाइफ से, मिसलीडिंग लेबलिंग से, ठीक है। जो फिर तीसरा राइट था आपका राइट टू चूज, राइट टू चूज है कि ये नहीं है कंज्यूमर
राइट टू चूज ये कहता है कि एक कंज्यूमर का राइट है कि उसका कि ये नहीं है सेलर उसे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बताया और उसे फोर्स करेगा यही प्रोडक्ट खरीदो, नहीं ऐसा नहीं कर सकता सेलर, उसको जितने उसे मार्केटर जो है उसे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट उसका कंज्यूमर राइट है कि उसे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बताया जाए जिसके डिफरेंट प्राइसेस हो जिसके डिफरेंट फीचर्स हो, उसके बाद कंज्यूमर राइट है उनमें से कोई भी बाय कर सकता है। यानी कि सेलर उसे फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही प्रोडक्ट यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है यही वाला ब्रांड का खरीदना है इसी प्राइस पर खरीदना है, नहीं उसको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, एक सेलर को डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ेंगे जिसके डिफरेंट प्राइसेस होंगे डिफरेंट फीचर्स होंगे। यानी कि एक कंज्यूमर राइट है कि उसके वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे खरीदने का उसके पास राइट है। दिस इंप्लाइज दैट कंज्यूमर राइट टू ऑफर, कंज्यूमर राइट है ताकि उसके उसको उसको ऑफर किया जाए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज डिफरेंट ब्रांड्स के हो क्वालिटी के हो प्राइसेस के हो, ठीक है। दिस इज राइट, यानी एक तरह ये राइट देता है चॉइस ऑफ कंज्यूमर की, कंज्यूमर का चॉइस है कि कुछ भी खरीद सकता है जिसके डिफरेंट प्राइसेस हो डिफरेंट ब्रांड्स हो डिफरेंट फीचर्स हो और मार्केटर उन्हें फोर्स नहीं करेगा। तो ये जो तीन राइट हो गए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म और राइट टू चूज, यानी कि कंज्यूमर राइट है कि उसको सेफ प्रोडक्ट खरीदे, कंज्यूमर राइट है उसे पता हो कि वो जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है उसके बारे में उसके फीचर्स उसके प्राइस उसकी क्वांटिटी, और राइट टू चूज हो मल्टीपल प्रोडक्ट में से कोई भी खरीद सकता है उसे फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये जो तीनों राइट्स है ना बच्चों, ये तीनों राइट्स बेकार हो जाएंगे जब तक वो कंप्लेन ना कर सके। अब अगर भी उसका राइट है, राइट देने से क्या होगा, राइट देने से जब तक इन्फोर्समेंट ना हो राइट की तब तक नहीं हो सकता। तो चौथा राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू बी हर्ड, कि वो कहां कंप्लेन करे, उसको राइट दिया गया है कंप्लेन करने का। यानी अगर इन तीनों राइट में से उसकी बात उसको राइट कोई मैन्युफैक्चरर उसको सेफ प्रोडक्ट नहीं बेचता, कोई मैन्युफैक्चरर उसकी उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बताता एक्सपायरी डेट नहीं बताता, या कोई मैन्युफैक्चरर उसको राइट टू चूज नहीं देता है, यानी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करता है उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके पास मैन्युफैक्चरर के पास उसके पास कंज्यूमर राइट होना चाहिए कि उसकी कंप्लेन की जाए। तो ये चौथा राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू बी हर्ड है कि कंज्यूमर राइट दिया गया है कि आप कंप्लेन कर सकते हो कि एक मशीनरी जुडिशियल कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको कंज्यूमर एक्सप्लॉइट कर रहा है, कंज्यूमर आपको डिसऑनेस्ट कर रहा है, कंज्यूमर से माल ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, कंज्यूमर मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग दे रहा है। तो बिना इस राइट के बाकी तीन राइट बेकार हैं। अगर ये राइट ना होता तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट बेचता है तो आपको कंप्लेन करने का राइट, कंज्यूमर कंप्लेन करने का राइट देता है आपको। अगर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो आपको कंप्लेन करने का राइट होना चाहिए। अगर आप राइट को चूज नहीं कर रहे कंप्लेन होना चाहिए। यानी बाकी तीन राइट इस राइट के बिना बेकार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू फाइल कंप्लेन एंड हर्ट इन केस ऑफ डिससैटिस्फेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये राइट देता है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज डिससैटिस्फाइड हो तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, सेलर के अगेंस्ट मार्केटर के अगेंस्ट। तो ओन कई कंपनी से तो इस चक्कर में अपने ग्रीवेंसेस सेल बना दिए हैं, अपने ग्रीवेंसेस सेल बना दिए कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को डील करने के लिए। इवन तो इसके अलावा कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी है, एसोसिएशन भी है जहां पर कंज्यूमर जाके कंप्लेन कर सकता है और वहां पर उनकी सुनी जाएगी और सेलर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। चार राइट हमने कर लिए, पांचवा राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब कि यार सीधी सी बात है, अगर कंज्यूमर ने जो सोचा था वैसा प्रोडक्ट नहीं निकला, उसकी एक्सपेक्टेशन से उसके अंदर कुछ कमी है, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, तो उसको राइट होना चाहिए कि भैया उसको बदल के दो। अगर प्रोडक्ट में कोई शॉर्टेज है, कोई डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट खराब निकला, तो उसका राइट होना चाहिए वो उसे बदल के दिया जाए, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसको डिफेक्ट को ठीक करके दिया जाए। दैट इज राइट टू राइट टू सी रिड्रेसल। आप देखा होगा एप्पल, एप्पल का फोन लो, उसमें कुछ डिफेक्ट होता है वो पूरा बदल के देते हैं। इसी तरह किसी में कोई डिफेक्ट है तो कहते हैं हम आपको ठीक करा के देंगे। तो राइट टू सी रिड्रेसल मतलब राइट टू गेट रिलीफ इन केस प्रोडक्ट पर सर्विस फॉल शॉर्ट विद एक्सपेक्टेशन, कुछ प्रोडक्ट में कमी है, जैसे आप एप्पल वाले फोन बदल के देते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, या डिफेक्ट हम ठीक करा के देंगे। कंपनसेशन दिया जाएगा अगर कोई उस प्रोडक्ट को यूज करने से उसको कोई लॉस हो गया तो, जैसे आपको यूज करते हुए ब्लास्ट हो गया तो आपको कंपनसेशन देंगे। अगर हेल्थ के बारे में कुछ हुआ तो, इंजरी हो गई कंज्यूमर को उसको यूज करते हुए, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। फिर जो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए उसके राइट्स के बारे में, जिसको राइट दिया गया कि आपको भी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दिया गया, उनको टाइम टू टाइम बताया जा सके कि ये आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है। आपका जो एमआरपी होता है उसको जरूरी नहीं है देना, आप उसमें मोल भाव कर सकते हो। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट जाती है कि तो एमआरपी पे जरूरी नहीं है बेचना, उसमें आप नेगोशिएशन कर सकते हो, मोल भाव कर सकते हो, नेगोशिएशन मोल भाव।
ठीक है जी। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की कंज्यूमर को हमारे पास राइट, ये राइट देगा कंज्यूमर एजुकेट देना। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे इवेंट्स चलाते रहती है, आप सुना होगा जागो ग्राहक जागो, ठीक है जी। तो ये ऐसे इवेंट्स आप टीवी पे ऐसे ऐड लिखी होगी, तो ये राइट्स और लीव देते हैं कि भैया सीधी सी बात है, ये एक राइट गवर्नमेंट राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म अबाउट कंज्यूमर, कंज्यूमर जाने कि उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है सेलर के अगेंस्ट, वो कहां कंप्लेन कर सकता है, कैसे उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसे जस्टिस मिलेगा। तो जो ये छह राइट्स हो गए, इन छह राइट्स की याद करने का तरीका रिचेस, क्योंकि ये छह राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आते हैं रिचेस, आर मीन राइट, ऐसे आप लोग जो राइट, फिर ऐसे शुरू करो एस राइट ऑफ सेफ्टी, फिर क्या बच्चों राइट ऑफ एजुकेशन, ये जो भी हमने किया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एच फॉर राइट ऑफ हार्ड, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, सॉरी राइट ऑफ कंज्यूमर, यहां हो गया ना एस राइट ऑफ सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म, आई फॉर राइट टू इन्फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं राइट टू चूज, सी फॉर राइट टू चूज, एच फॉर राइट ऑफ हार्ड, ई फॉर ये राइट टू रिड्रेसल, राइट टू हर्ड, मतलब इससे आपका बन जाएगा आई फॉर राइट, यहां पर देखो आई फॉर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सी फॉर राइट टू चूज, एच फॉर राइट टू बी हर्ड, ई फॉर राइट टू रिड्रेस एजुकेशन, कह लो ई फॉर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है यार, राइट टू सेफ्टी। इस तरह से आपके रिचेस से याद रह जाएगा आपका, ओके बच्चों। और ये डायग्राम में बना के आना, मैंने आपको बताया बीएसटी में तीन चीजों के नंबर आते हैं, किससे पीपीपी, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, ऐसे डायग्राम बना के आना, राइट टू कंज्यूमर, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या होता है शॉर्ट फॉर्म बताओ, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट ही इंटेंड टू बाय लाइक इंग्रेडिएंट्स एमआरपी, राइट टू चूज, उसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में उसका राइट होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चूज कर सकता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर नॉलेज टू बी इन्फॉर्म अबाउट कंज्यूमर, ठीक है जी। कंज्यूमर एजुकेशन जागो ग्राहक जागो, ये एग्जांपल जो दे रखे हैं यहाँ पे, राइट टू सीक रिड्रेसल कि वो कंप्लेन कर सकता है अगर उसके राइट्स इंफ्रिंज किए गए, राइट टू बी हर्ड वो कंप्लेन कर सकता है, राइट टू रिड्रेसल मतलब वो सॉरी राइट टू सीक हर्ड मतलब उसको राइट टू कंप्लेन कर सकता है, और राइट टू सीक रिड्रेसल है कि अगर वो उसका जो अगर उसका कोई जो जो प्रोडक्ट था वो फॉल जो प्रोडक्ट था वो एक्सपेक्टेशन से फॉल कम है तो उसका रिमूवल डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा या नया प्रोडक्ट दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज राइट कंज्यूमर राइट छे, थैंक यू।